डिज़ीज़ का मतलब क्या है? डिस ईज व्हेन यू आर नॉट ईजी, जब आपको नॉर्मल फील नहीं कर रहा, यू डोंट फील लाइक योर सेल्फ। हम कह देते हैं तबीयत ख़राब है, या हम कहते हैं कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स इमोशंस आर वेरी इजी, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, या फिर डर लग रहा है, पैनिक, यू कैन ईजीली फील पैनिक। या आज मेरे से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, आज मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। सो इसका मतलब होता है कि आप ईजी नहीं हो, देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन साइड योर माइंड। क्योंकि जब आप ईजी होते हो, जब आप अपने आप में होते हो, तो आप खुश होते हो, आप यू गो अबाउट योर वर्क लाइक नॉर्मली यू डू। दूसरा आदमी भी आपको पहचानता है एज यू, नहीं तो दूसरे भी कहते हैं कि आज क्या बात है, आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। सो बेसिकली डिजीज़ मीन्स व्हेन यू आर नॉट योर सेल्फ, व्हेन देर इज़ नो ईज, डिस ईज। ओके, ऑफ कोर्स डिक्शनरी देखोगे तो डिज़ीज़ के बहुत कुछ मीनिंग है, बट मैं तो एक लेमेंस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आज मुझे फलाने पे बहुत गुस्सा आया, मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही है, सो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमें कई बार तंग करती हैं। तो ये जो बैचलर थेरेपी है, इसका बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ हम करते हैं, बट मैंने इसे इन आम चीज़ों के लिए यूज़ किया एंड आई सॉ दैट इट मेक्स माई लाइफ ईजियर। जैसे शुरू शुरू में मुझे याद है मेरे घर किसी का लंच था, पर मैं जब सुबह उठी, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं थकी हुई हूँ। मैं सोच रही थी कि अभी तो उठी हूँ आफ्टर गुड नाइट स्लीप, तो क्या है, बट नहीं मन कर रहा था, फिर टेंशन हो रही थी खाना कैसे बनेगा, सब लोग आ जाएंगे, लंच है। सो बैचलर में एक रेमेडी आती है हॉर्नबीम, इसको हम कहते हैं मॉर्निंग ब्लूज़ के लिए, सॉरी मंडे ब्लूज़ के लिए। तो ये मैंने इसके दो बूंदे पानी में मिला के पी ली। आप मानेंगे नहीं, विद इन 5 मिनट्स आई वॉज अप एंड अबाउट, और मैं किचन में गई और फटाफट मैंने खाना बनाना शुरू किया। और उसके बाद मुझे वो फीलिंग ही नहीं हुई कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से कैसे होगा, एक मेंटल थकावट। एंड दैट वाज द डे आई थॉट कि दिस इज़ वंडरफुल। ठीक है, जो भी इसका मुझे चाहे टेम्प्ररी इफ़ेक्ट हुआ, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे बुक्स में इसके बारे में ज़्यादा नहीं भी है, रिसर्च नहीं हुई हुई, वॉट एवर, मेरी तो लाइफ ईजियर हो गई, वाई शुड आई यूज़ इट, है ना। सो आप इसको ले सकते हैं, हॉर्नबीम को आप ले सकते हैं जिस वक्त आपको मेंटल एग्जॉशन हो। एक एग्जॉशन होती है कि आप बहुत थके हुए हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर ली, या बहुत बिजी रहे, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, पर एक होती है जो माइंड की थकावट। कई बार हम बहुत सोचते हैं, या कई बार हम कहीं जाते हैं, वहाँ का एटमोसफेयर ऐसा होता है कि आप मेंटली थके हुए फील करते हैं। उसके लिए हॉर्नबीम बहुत अच्छी है, आप लोग ट्राई करें, आई एम श्योर यू विल लव देम, यू और मुझे भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने रिजल्ट्स। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप मैसेज करते हैं, तो दिस विल डू यू गुड।
ट्राई इट आउट. थैंक्स.